हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आकाश राज फ्रॉम लिविंग द लाला लाइफ। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या IMU कैंपसेस से BSc करना सही होगा, एंड अगर हाँ तो कौन से कॉलेजेस हैं जिनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। तो ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, fuck it. Answer your question, yes, it is absolutely worth it to pursue BSc in Nautical Science from IMU campuses. But यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपके पास options काफी limited है। अगर आपको IMU campuses में BSc करना है तो आपके पास सिर्फ 3 options है। Number 1, IMU campus Navi Mumbai, which is located in Maharashtra and famously known as T.S. Chanakya. Number 2, IMU campus Chennai. Number 3, IMU campus Kochi, which is located in Kerala. अगर आप IMU कैंपस नवी मुंबई यानी TS चाणक्या में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन काफी हाई है। अगर पिछले साल के रिकॉर्ड्स देखे जाए तो IMU CT रैंक 1200 तक गया है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलती है इफ यू फॉल अंडर सम स्पेशल कैटेगरी लाइक EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, OBC, SC ST, स्पेशल स्टेट एसेट्रा। अगर यहाँ की कंपनीज की बात की जाए तो यहाँ पे कई बड़े बड़े कंपनीज जैसे MOL, फ्लीट, शेवरॉन, स्कॉर्पियो, ब्रिटिश मरीन, टॉम, थॉम, विलहेमसन, सिनर्जी, MSC जैसी कई सारी कंपनीज आती हैं। अगर आप IMU कैंपस चेन्नई जाना चाहते हैं तो आपकी IMU CT रैंक 3000 से कम होनी जरूरी है, एंड अगर आप वीकर सेक्शन में बिलोंग करते हैं, कोई स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो यहाँ भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एंड सेम गोज फॉर IMU कैंपस कोच्चि, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि इन दोनों ही कैंपसेस में प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी खराब हैं। दोनों में ही 70% से भी कम है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अगर प्रीवियस ईयर के देखे जाए तो। बट यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि कैंपस चाहे जो भी हो, इट डिमांड्स अ रियली गुड IMU CT रैंक। अब IMU CT रैंक अच्छी कैसे लाई जा सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट द बेस्ट IMU CT रैंक पॉसिबल? So fill out our Google forms given in the description and we will give you a detailed information to how to prepare for our foundation batch and get a good IMU CT rank. And for more exciting updates, please join our Telegram group and WhatsApp group given in the description link. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि इनमें से सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, किसमें जाना चाहिए किसमें नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के मामले में IMU नवी मुंबई यानी TS चाणक्या सबसे ऊपर है, एंड इसके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी 100% है। बट अगर बाकी दोनों कॉलेजेस की बात की जाए जो कि IMU कोच्चि एंड IMU चेन्नई, जैसे मैंने पहले बताया, इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी खराब है वाइल कंपेयर टू TS चाणक्या, एंड उन दोनों ही कॉलेज में जाना काफी रिस्की हो सकता है अकॉर्डिंग टू बरिंग मरीनस। तो यहाँ पर बेस्ट चॉइस क्या हो सकती है? तो ऑब्वियसली बेस्ट चॉइस है TS चाणक्या। एंड अगर आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है TS चाणक्या, अगर आप नहीं जा सकते हैं एंड आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या फिर आप लोन ले सकते हैं, तो आप कुछ प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस के तरफ भी देख सकते हैं, जैसे TMI, AMET with MERSC या MANET with BSc in Nautical Science। तो ये थे कुछ अच्छे कॉलेजेस फॉर BSc। फॉर मोर सच एक्साइटिंग वीडियोस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड।